बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको बेस टू, बेस फाइव और बेस एट के अंदर किसी नंबर को चेंज करना सिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कन्वर्ट 154, इस जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, इनटू नंबर विद बेस टू, फाइव एंड ऑक्टल। जो ऑक्टल होता है, इससे मुराद ये होता है कि आपने बेस एट में चेंज करना है, और बाकी बेस टू और बेस फाइव का मतलब तो यही होगा कि आपने उसको बेस टू में और बेस फाइव में चेंज करना। लेकिन अगर ऑक्टल लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उस नंबर को किसके अंदर चेंज करना है, बेस एट के अंदर चेंज करना। तो उसका तरीका क्या है, मसलन ये 154 है, तो इसको अगर हम बेस टू में सबसे पहले अगर हम कन्वर्ट करें तो आपने 154 को इधर लिखना है और 2 को इधर लिखना है। अब आप इसको इस तरह से समझे कि आपने ना डिवाइड करना है 154, अगर हम इसको डिवाइड करें किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो 2 सेवन्स आर 14, और फिर इससे अगर हम माइनस करें इधर 1 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला 4 इस जगह पर आ जाएगा, फिर 2 सेवन्स आर 14, और इसके नीचे क्या चीज़ रिमाइंडर क्या बचा, 0। जो ऊपर चीज़ बचेगी या जो उसका जवाब आएगा, जो क्वेश्चन होता है, उसको आपने इस साइड पर लिखना है, और ये जो नीचे रिमाइंडर बचेगा उसको आपने इस तरफ लिखना है। मसलन 0 को इस तरफ लिखना, और जो 77 है उसको आपने इस तरफ लिख लेना। अब 77 को आपने दोबारा 2 पर डिवाइड करना है। अगर हम 77 को 2 पर डिवाइड करें तो इस तरह अगर हम करके देखें, 2 3 6, और जब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और ऊपर से ये 7 आ गया, और 2 8 16, तो इसमें से अगर हम 17 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचेगा। ये जो 1 है इसको आपने इस साइड पे लिखना है, और 38 को इस साइड पे लिखना है। तो अब ये 77 के नीचे क्या लिखेंगे, 38, ये जो ऊपर जवाब आया, और ये जो नीचे रिमाइंडर बचा था उसको आपने इस साइड पर लिख देना। अब इसी तरह अगर हम 38 को देखें तो 38 2 के टेबल पर कितने बार आता है, 2 1 2, अब 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाएगा, और ऊपर से 8 आ जाएगा, और 2 9 18, और उसके बाद अगर इसको माइनस करें तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब जो 0 है उसको आपने इस साइड पे लिखना, और 19 को इस साइड पर लिखना। अब इसी तरह अगर हम 19 को डिवाइड करें तो 19 2 के टेबल पर तो नहीं आता है, तो 18 आता है, तो 2 9 18, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो 1 जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपने इस तरफ लिख देना। इसी तरह 2 के टेबल पर 9 नहीं आता, 8 आता है, तो 2 4 8, और 1 रिमाइंडर बचेगा उसको आपने दूसरी तरफ लिख लेना। फिर 2 2 4, तो इसका रिमाइंडर 0 बचेगा वो इधर लिख लेंगे, फिर 2 1 2, और इसका रिमाइंडर 0 बचेगा उसको हम इस तरफ लिख लेंगे। जब ये सारा आपने काम कर लेना, फिर आपने ये जो इस साइड से नीचे से आपने शुरू करना है, और इस तरह आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो इधर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इस जगह पर हम लिखेंगे 1। 1 के आगे क्या लिखा हुआ है, 0, ये वाले बीच में जगह छोड़ देनी है, ये साइडों वाले आपने लिखने हैं, 1 फिर 0 फिर 0, 2 0 आगे, उसके बाद 1 और 2 2 बार आपने फिर 1 लिख दिया, उसके बाद 0 1 0 0 1 0। तो इसके साथ आप यूँ ब्रैकेट लगाएं, और ब्रैकेट के नीचे क्या लिख दें, 2 लिख दें। तो इस तरह ये 154 जो है वो कन्वर्ट हो गया, किस में, बेस 2 में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि आपने इसी नंबर को किस में चेंज करना है, बेस 5 में चेंज करना है। किस नंबर को, 154 को, तो अब उसको हम बेस 5 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो 154 इस जगह पर लिखा, पहले इस जगह पर हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे, 5। अब इसको हमने 5 पर डिवाइड करना, तो अगर मैं 154 को डिवाइड कर दूँ 5 के ऊपर, तो ये इसका क्या आंसर आएगा, यानी कि 154 के करीब कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल पर आता है, 150 है। तो 5 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 154 में से 150 को माइनस करें तो इस जगह पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। आपने इधर ये काम नहीं करना है कि यूं अगर आप कहें जी 154 लिखा हुआ है तो इसको यूं कर देते हैं जी 5 3 15, और पीछे क्या बच गया जी, 4 बच गया, तो 4 नीचे लिख दें, तो 3 ऊपर और 4 नीचे, ये गलत हो जाएगा। तो जिस टाइम 3 नंबर ऐसे आ रहे हों
जो इसके टेबल में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने से उस नंबर के करीब करीब को जवाब आ रहा हो, तो फिर हम दो नंबर नहीं लेंगे बल्कि कितने नंबर ले लेंगे, तीन नंबर ले लेंगे, यानी कि 154 के करीब को नंबर जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करेंगे जो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो उसके करीब करीब नंबर आता हो। तो इधर ये आपने गलती नहीं करनी, अक्सर बच्चे इस जगह पर ये गलती कर देते हैं। तो ये 530 आर 150 और जो 4 रिमाइंडर बचा था वो हमें पता है, उसको हमने इस तरफ लिखना, और जो दूसरा नंबर होता है उसको आपने इस साइड पर लिख लेना। उससे आगे आसान है, 5 के टेबल पर 30 का बात है, 5 6 30 और इसका रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा, वो आपने इस जगह पर लिख लेना। इसी तरह 5 ये 6 लिखा हुआ, अगर मैं 6 को इधर लिखूँ और 5 को इधर लिखूँ, 5 1 5 और जब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 5 तो नीचे क्या बचेगा, 1। तो ये वाला 1 इस तरफ लिख दिया और ये ऊपर वाला 1 इस तरफ लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लेना। एक बात और जो बहुत अहम है वो आपने याद रखनी है, जब आप बेस 5 में चेंज करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएंगे ना, ये जो रिमाइंडर आएंगे वो 5 से छोटे होंगे। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी और 4 भी, लेकिन 5 नहीं आएगा। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। अब इसका जो जवाब होगा, जो बेस 5 के अंदर हम लिखना चाहें तो वो किस तरीके से लिखेंगे, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। मसलन यहाँ से शुरू करेंगे, यूँ ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 1104, तो इसका जवाब होगा 1104, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के नीचे इसकी बेस कितनी लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बेशक इस साइड पे आप लिख लें कि 154 जो है वो किसके बराबर होता है, 1104, और उसकी बेस कितनी, 5। अब सेम इसी तरह आपने जो ऑक्टल के अंदर उन्होंने कहा था चेंज करना है, सेम इसी तरह करेंगे। ऑक्टल से मुराद ये होता है कि बेस 8, तो जो बेस 8 होती है तो इधर हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 152। मसलन इस जगह पर अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, 154 है, और अगर यहाँ से हम 8 लिखें तो 8 1 8 और 8 2 16, तो इसका मतलब वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो फिर हम 8 1 8 करेंगे, 8 1 8। अब अगर हम 15 में से 8 माइनस करें, इधर 7 आ जाएगा और ऊपर से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि 8 के टेबल पर 74 कितने बार आता है, तो 8 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 74 के बजाय क्या आएगा, 72 आएगा, जो उसके करीब करीब है। तो इधर से 74 में से अगर हम 72 माइनस करें तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये जो 2 है इस तरफ लिख लेंगे और ये वाला 19 इस तरफ लिख लेंगे, 19 इधर आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 19 तो 8 के टेबल पर नहीं आता, 19 से छोटा नंबर कौन सा, 16। तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 16, और पीछे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसके ये वाला यूं जवाब हम लिखेंगे, हम कहेंगे जो 154 है ये बराबर होता है 232 और इसकी बेस कितनी, 8। तो इस जगह पर हम इसकी बेस कितनी लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये इसको हमने बेस 8 के अंदर चेंज किया, और इधर हमने बेस 5 के अंदर 154 को चेंज किया। और अगर इस जगह पर देखें तो हमने इस क्वेश्चन को जो बेस 2 थी उसके अंदर चेंज किया। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि किस तरह हम बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में किसी नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।